हेलो फ्रेंड्स, टेल ERP 9 में आज हम फिजिकल स्टॉक मेंटेनेंस ऑप्शन सीखेंगे। फिजिकल स्टॉक मेंटेनेंस में कितना स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है वो कैलकुलेट करने के लिए हमें मेंटेन करना होता है। फिजिकल स्टॉक मेंटेन करने के लिए हमें कंपनी फीचर्स में जाना रहेगा। तो स्क्रीन के राइट हैंड साइड में आपको बॉटम में दिया है F11 फीचर्स, तो हम वहाँ से ओपन करेंगे फीचर्स। आप देख सकते हो कंपनी फीचर की विंडो ओपन हो रही है जिसमें हम इन्वेंटरी फीचर्स ओपन करेंगे। इन्वेंटरी फीचर्स में आपको यहाँ पे स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन ऑप्शन दिया है जिसमें मेंटेन मल्टीपल गोडाउन है उसको हमें यस करना है, और यहाँ पे आपको दिया है मेंटेन बैच वाइज डिटेल उसे भी हमें यस करना है, और एक्सपायरी डेट बैच वाइज उसे भी हमें यस करके एक्सेप्ट करवा देना है। तो इस तरह से हमने उसको एक्सेप्ट करवा दिया। अभी हम एस्केप करके बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर में हमने परचेज में एंट्री करनी है तो हम F9 प्रेस करेंगे और यहाँ से परचेज में एंट्री करेंगे। जैसे सप्लायर इनवॉइस नंबर 1 है मिस्टर जे के शर्मा, और यहाँ पे न्यू नंबर डाल रहे हैं हम, रिसिप्ट नोट नंबर 1 डाल रहे हैं और उसको एक्सेप्ट करवा रहे हैं। अंडर ग्रुप परचेज आ जाएगा जो आइटम हमने परचेज किया, आइटम नंबर C परचेज किया है, ट्रैकिंग नंबर है 1, और ऑर्डर नंबर अगर हमें यहाँ पे जनरेट करना है तो हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं 1, और डेज नंबर ऑफ ड्यू यहाँ पे ड्यू ऑन डेज डाल सकते हैं कि कितने डेज में ड्यू क्लियर होगा, यानी 110 डेज में। और गोडाउन है दिल्ली, क्वांटिटी आपको यहाँ पे दी है, सपोज़ कि क्वांटिटी 100 क्वांटिटी है और रेट आपको दिया है 120, तो आप यहाँ से रेट 120 डाल के, सॉरी क्वांटिटी 120 और रेट आपको दिया है 150 और आप उसको एक्सेप्ट करवा सकते हो। तो हमने आइटम सी 120-150 के रेट पे ख़रीदी है। इस तरह से हमने परचेस की एंट्री कर ली। अभी हम सेल्स में जाएंगे और पार्टी नेम देंगे मिस्टर राम शर्मा। अभी उनके डिलीवरी नोट्स की डिटेल हम यहाँ से न्यू नंबर डालेंगे और नंबर हम 1 डाल रहे हैं और डेट भी डाल दी। अभी हम उसको एक्सेप्ट करवा देंगे। सेल्स लेजर में हम सेल्स एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद आइटम में ट्रैकिंग नंबर से हम आइटम सेलेक्ट कर रहे हैं। आइटम सी है, ड्यू ऑन डेज 10 डेज है और दिल्ली के गोडाउन में से ट्रैकिंग नंबर 1 की जो आइटम है वो परचेज की है, टोटल 100 क्वांटिटीज एट द रेट ऑफ 190, और हम इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे आइटम सी 100-190 के रेट से हमने सेल की है। तो इस तरह से हमने परचेज और सेल्स की ट्रांजैक्शन की। एस्केप करके हम इन्वेंटरी वाउचर में आएंगे। इन्वेंटरी वाउचर में आपको यहाँ पे दिया है स्क्रीन के राइट हैंड साइड में F10 फिजिकल स्टॉक मेंटेनेंस, उस पर आप क्लिक करोगे तो इस तरह से फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन विंडो आपको ओपन करके दिखाएगा। आइटम सी है दिल्ली के गोडाउन में, ट्रैकिंग नंबर 1 से आप उसको फाइंड करोगे। एक्सपायरी डेट ऑटोमेटिकली उसने डाल दी है, जो हमने एक्सपायरी डेट डाली थी वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। क्वांटिटी कितनी है, आपको जो भी क्वांटिटी डालनी है आप यहाँ से डाल सकते हो। और नेक्स्ट अगर कोई और गोडाउन में आपको मूव करना है तो आप यहाँ पर और गोडाउन में भी डाल सकते हो, जैसे कि सपोज़ कि मुंबई गोडाउन में कितना है तो हम यहाँ से मुंबई गोडाउन डालेंगे। और यहाँ से लिस्ट ऑफ एक्टिवेट बैच यानी एक्टिव बैच डेट है वो डालेंगे, बैच नंबर 2 डाला, एक्टिव डेट डाली 2013 अप्रैल, और एक्सपायरी डेट भी हमने डाली, और उसमें हम मुंबई ब्रांच में से 80 नंबर्स की क्वांटिटी जो फिजिकल स्टॉक में अवेलेबल है वो भी हमने डाल दी। तो इस तरह से हम फिजिकल स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं। एक्सेप्ट करवा दीजिए। अभी हमें देखना है तो हम रिपोर्ट्स में डिस्प्ले में जाएंगे, डे बुक में जाएंगे, तो आप देख सकते हो फिजिकल स्टॉक की एंट्री आपको दिखा रहा है। इस तरह से आप फिजिकल स्टॉक की एंट्री बना सकते हो। थैंक यू।